हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी स्वीट कॉर्न चाट जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। ज़्यादातर आप मॉल्स में इसे खाते हैं। तो मेरे पास है 250 ग्राम बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। मैं कैन वाले स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। और मैं दो तरह से चाट बनाऊँगी, तो हाफ़ मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हाफ़ मैंने बाउल में ले लिया। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कैप्सिकम, डीसीडेड चॉप्ड टोमेटो, फाइनली चॉप्ड अनियन, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, नाउ ऐड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा अपने अकॉर्डिंग कम रखें। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प या इमली का पेस्ट और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें तो ये हमारा टैमरिंड स्वीट कॉर्न रेडी है। इसे सर्विंग कप में निकाल लेते हैं। अब बनाएंगे मसाला स्वीट कॉर्न, तो बाकी का कॉर्न बॉल में डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। अब इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। बस अब इसे मिक्स कर देंगे। चाट मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि लेमन जूस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, लेकिन आप चाट मसाला ऐड कर लेना। बस अब इसे सर्विंग कप में निकाल लेंगे और कोई भी बटर डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बटर डाल के इसे अनहेल्दी ना करें, ऐसे ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और अगर फिर भी आपको बटर डालना ही है तो आप उसकी जगह ओलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो ये थी दो तरह की स्वीट कॉर्न चाट, बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको मेरी हर अपलोडेड वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।